नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्रेट ब्रज हिंदी मीडियम पर मैं पंकज तिवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा तो हमारा पाठ चल रहा था स्वर्ण काका उसी का द्वितीय भाग हम पढ़ने वाले हैं आप लोग अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा ध्यान रखें लिखा हुआ है कक्षा नवी संस्कृत सैम प्रथमो भागहा स्वर्ण काका अनुवाद भाग दो आपको इस कहानी को आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक काका है और और विचित्र प्रकार का एक वो है हमारा पक्षी है जिसे हम कौवा के रूप में जान रहे हैं यहाँ काका बोला है तो कौवा ही है और वो उसका एक सुनहले करल का रंग है जिसे हम सोने की तरह देखते हैं आपने देखा सोना गोल्ड कैसा होता है उसी प्रकार से उसके पंख हैं इसीलिए इसके पाठ का नाम भी स्वर्ण काका दिया गया है और यहाँ पर एक तरह से कहीं ना कहीं लालच के बारे में बताया गया है और एक बूढ़े वृद्ध ब्रिध, वृद्धा स्त्री और एक छोटी सी बच्ची की इसमें कहानी है जैसा कि हम पहली पार्ट में कुछ पढ़ चुके थे पहला जो हमारा भाग था अब द्वितीय भाग में हम चलते हैं आगे कहां तक हमारी कहानी पहुंच चुकी थी वहां से आगे चलते हैं ध्यान रखना है देखिए अब यहां पर जो हमारा तीसरे नंबर का पैराग्राफ है पहले और दूसरे पैराग्राफ में हम लोगों ने देख लिया था कि उसको स्वप्न आता है और स्वप्न क्या वो सो सोती ही नहीं है वो बच्ची ठीक और उससे कहता है कौवा कि क्या करना आप शाम के समय हमारे यहाँ पर प्रातःकाल काल सूर्योदय होने से पहले हमारे यहाँ पेड़ के नीचे आना और मैं तुमको चावल का मूल्य देना चाहता हूं इस प्रकार की कौवे की और बच्चे की बात होती है होती है कि नहीं तो उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं ध्यान रखें देखें तीसरे पाठ में दिया हुआ तीसरे हमारे इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सूर्योदयात पूर्वमेव स तत्र उपस्थितः वृक्षस्य परि विलोक्य साचा आश्चर्यचकितः संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते यदा काका सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् हं हो बाले त्वं आगता तिष्ठ अहम् तत्कृते सोपानं अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमय रजतमयम ताम्रम कन्याह अवदत अहम निर्धन मातु दुहिता अस्म ताम्रशोपान नगमिषा परम स्वर्ण सोपन स्वर्ण भवनम आरोहत अब देखना कि जो हम लोगों ने कहानी सुनी उस कहानी के आधार पर सीधा सीधा ये बताया गया कि जब एक लालची बुढ़िया ने उसने देख लिया था अब लालची बुढ़िया उसी प्रकार से दूसरी बुढ़िया ने अपनी बच्ची को भेजा तो उन्होंने कहा कि चलो अब तुम तो सूर्योदय पर हमारे यहाँ पर आना तो वहां देखें सूर्योदयात पूर्व में सूर्योदय से पहले सूर्योदय से पहले अब यहाँ ऐसा अर्थ क्यों निकाला सूर्योदय से पहले देखिए सूर्योदय और आत लगा हुआ है सूर्योदयात ऐसा लिखा हुआ है देखना आप जरा सूर्योदयात लिखा है ना बेटा ऐसा लिखा है सूर्योदयात अब सूर्योदयात में आप लोगों ने अगर रूप सीखे होंगे रूप पढ़े होंगे ठीक है चलिए ठीक है अभी नहीं पढ़े हैं सर अभी तो शुरुआत कर रहे हैं नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं सिक्स सेवेंथ एट्थ में आप लोगों ने पढ़े होंगे एक रूप पढ़ा होगा राम रामात तो पढ़ा है ना बालकात तो पढ़ा होगा बालकात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तो ये पंचमी विभक्ति में एक वचन में बनता है कहाँ बनता है पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है रामात और बालकात वैसे ही बना हुआ है सूर्यो दयात कैसा बना है बेटा सूर्यो दयात अब यहाँ पंचमी विभक्ति लग गई है और पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है पंचमी का कारक चिन्ह क्या होता है से पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ अलग होने को दर्शाता है किसको दर्शाता है अलग होने को सूर्योदय से पहले मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ था उससे पहले पूर्व में उससे पहले ही उससे पहले ही सा सा कौन वह वह कौन लड़की अब देखना कि आपने ये भी देखा होगा कि एक सा होता है ऐसा इसका मतलब भी होता है वह ठीक और यह बड़ा सा दिया हुआ है इसका मतलब भी है वह दिया हुआ है ना दोनों तो ऐसा इसमें क्या है डिफरेंस क्या है इसमें अंतर क्या है हम कैसे मान लें कि इसका मतलब भी हुआ है इसका मतलब भी हुआ है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है यह हमारा पुल्लिंग बाची है क्या है पुल्लिंग बाची है और पुल्लिंग बाची कैसी जैसे आप लोग लिखते हो राम इसमें देखो विसर्ग लगा लगा है कि नहीं लगा तो इसमें विसर्ग लगा तो यह राम क्या है पुल्लिंग बाची है और यहीं पर अगर मैंने आपसे कह दिया है सीता तो सीता में तो विसर्ग नहीं लगा ना तो ये भी ये हमारा क्या है स्त्रीलिंग है ये स्त्रीलिंग है इसीलिए जो इसका हमारा रूप चलता है किसका ये हमारे सह ये ये हमारा चलता है ना सह विसर्ग वह तो ये हमारा वह जो चलता है वह हमारा चलेगा किसके लिए पुल्लिंग के लिए और ये बड़ा सा चलेगा स्त्रीलिंग के लिए तो यहां पर जो लगा हुआ है ये बड़ा सा ये स्त्रीलिंग के लिए लगा हुआ है ठीक ध्यान रखिएगा तो उसने ये कहा है कि सूर्योदय से पहले ही वह कौन? वह कौन? बालिका वह बालिका। अब ये स्पष्ट दिखना कि जब कभी क्या होता है कि हम लोग नाइन्थ में और में सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जब हमारा प्रश्न पत्र आता है पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम के द्वारा एक ना अपठित गद्यांश आता है तब हम उसमें क्या करते हैं या आप हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें या हम ईयरली की बात करें तो कोई भी हमारे यहाँ पेपर होता है और उसमें हम पैराग्राफ हमको मिलता है अब पैराग्राफ में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर सूर्योदय से पहले कौन पहुंची ठीक तो पहुंची वहां पर पहुंचा के पहुंची ये ऐसे आप कैसे डिफाइन करेंगे तो वहां पर ये सारी चीज़ें हमारी संकेत हैं ये स्पष्ट ये करता है कि लड़का नहीं था लड़की थी ठीक सा ही बता रहा है कि वहां यहां किसी का नाम नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया है कि वो लड़की थी क्यों क्योंकि यहां वह लगा हुआ है बड़ा सा लगा हुआ है और बड़ा सा आता है हमेशा 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 स्त्री के लिए ठीक तो लड़की वह लड़की सूर्योदय से ही पहले वह लड़की तत्वोपस्थित तत्र माने वहां और उपस्थित माने उपस्थित हो गई ठीक तत्वोपस्थिता देखें आपको एक एक चीज में इसलिए बता रहा हूं तत्र प्लस उपस्थित ठीक तत्र प्लस उपस्थित ऐसा लिखा हुआ है अब यहां से आ ले लिया और यहां से उ ले लिया दोनों को मिलाया और आ और उ मिलकर के ओ बन गया कैसे बना दिया गुण संधि के आधार पर बना दिया कैसे भैया गुण संधि के आधार पर गुण संधि का नियम यही कहता है कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटा उ या बड़ा उ दो में से कोई भी आ जाए तो ओ बनता है ये गुण संधि का नियम कहता है ठीक अभी मैं आपको संधियां जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये तत्र प्लस उपस्थिति का तत्वोपस्थिति कैसे बना ठीक तो यहां पर भी मैंने वही देखा कि इस आ और ऊ को दोनों को मिलाने पर यहां ओ बन गया और जब ये ओ बन गया हमारा तो अब इस ओ की मात्रा कहां लगना है वो आप यहां देख लेंगे तत्र तत्र में से आ निकल गया तो ये आधा हो गया और दोनों को मिला देने पर हमने ओ को बनाया था बनाया ना अब यहां पर उपस्थित का ऊ निकल चुका है तो प और स्थित प्लस स्थित ये दिया हुआ है ओ की मात्रा इस पर लगाओ आप लगाए खुद आप भी थोड़ा सा करते जाएंगे देखो तत्रु ओ की मात्रा इस पर लग जाएगी तो तत्व बन जाएगा और में है तो हम इसको सीधा सीधा क्या कर देंगे जोड़ देंगे तत्र प्लस उपस्थिता बराबर तत्वोपस्थिता जो यहां पर शब्द बना हुआ है तत्र का मतलब होता है वहां तत्र का मतलब होता है वहां और उपस्थिता का मतलब होता है उपस्थित हो जाना तो वो कह रहे हैं सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई कौन हो गई वो कन्या वो लड़की वहां उपस्थित हो गई अब देखना अब आगे क्या कह रहे हैं वृक्षस्योपरी वृक्षस्य वृक्षस्योपरी वृक्षस्य प्लस ऊपरी दिया हुआ है ना अब ऐसा दिया दोनों को अलग अलग कर लिया या, या मैं से को निकाल लिया और ऊपरी का ऊ ले लिया दोनों को मिलाया क्या बन गया बेटा ओ बन गया ठीक अब ओ बन गया तो इन दोनों को ओ की मात्रा इसमें लगाएंगे हम देखो ये दोनों यहां से ये यह हट जाएगा और ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी यहां से ऊ हट जाएगा क्या बचा आपके पास परी तो यहां पर परी जोड़ दो परी ठीक है ना आ गया ब्रक्षस्योपरी देखो यहां लिखा ब्रक्षस्योपरी दिया है ना तो वृक्ष के ऊपर अब ऐसा क्यों कहा कि वृक्ष के ऊपर तो यहां ष्ठी विभक्ति वृक्षस्य जैसे रामस्य जैसे रामस्य बनता है वैसे ही यहां पर बनाया उन्होंने क्या वृक्षस्य वृक्षस्य और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है का के की का के की? तो यहां पर मैंने निकाला वृक्ष के वृक्ष के ऊपरी माने ऊपर जैसे ही देखो सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई कौन वो लड़की वृक्ष के ऊपर बिलोक देखकर वृक्ष के ऊपर देखकर बिलोक में लेप्य प्रत्यय दिया हुआ है ठीक है और लेप्य प्रत्यय जुड़ जाने पर इसीलिए यहां पर क्या हो गया है देख कर देख कर के और यही अर्थ निकलेगा तो वृक्ष के ऊपर देख करके सामान्य वह वृक्ष के ऊपर देख करके और वह क्या है आश्चर्य आश्चर्य मतलब एकदम से हम लोगों को आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम लोग ठीक है ना जैसे कभी कभी धोखे से अगर कोई चीज देख ले तो एकदम से ऐसे हम चौंक जाना ठीक है ना तो वही है आश्चर्य आश्चर्य हो जाना कभी जैसे कोई छोटा सा बच्चा और दस किलो का वजन ले ले तो हमें भी अचंभव होता है आश्चर्य होता है उसी प्रकार से आश्चर्य का मतलब क्या है यहां आश्चर्य चकित होना, ठीक। अब देखा संजाता आश्चर्य आश्चर्यचकित हो गई यत जो तत्र वहां स्वर्णमया मान सोने से युक्त स्वर्णमय मतलब सोने से युक्त प्रसादो प्रसादो प्रसाद हाँ। प्रसाद क्या है महल सोने से युक्त महल वर्तते देखा यदा काका जैसे ही यदा जब काका माने ने सहित्वा माने सो करके ठीक है ना प्रबुद्ध तदाह तैन स्वर्ण गवाक्षा कथितम और बोले अब क्या है अपनी बुद्धि के अनुसार तैन माने के द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा स्वर्ण गवाक्षा गवाक्षा का मतलब सोने से भरा हुआ एक क्या है बक्सा रखा हुआ है कथितम माने कहा अहो बाले अरे बालिका अरे बालिका तुम आगता तुम आ गई हो ठीक है ना और गवाक्षा माने खिड़की भी होता है खिड़की से ठीक अहो बालिका तुम आगता तुम आ गई हो तिष्ठ बैठो अहम तत्कृति सोपानम अवतारियामी मैं तुम्हारे लिए क्या है सौ सोपान माने सीढ़ियां अवतरयामि और ने उतारता हूं सीढ़ियां देता हूं तत्कथ है तब कहा स्वर्णमयम रजतमयम सोने से युक्त या चांदी से युक्त या ताम्रमयम या तांबे से युक्त कन्या अवदत् कन्या बोली अहम् निर्धनम मातु मैं मैं एक निर्धन माता की दुहिता माने पुत्री अस्मि माने हूं ठीक अहम् माने मैं और निर्धनम मातु माने गरीब गरीब मातु माने माता की दुहिता माने पुत्री अस्मि माने हूं ठीक ताम्र सोपानेव ताम्र सोपाने वो ताम्र तामे के सोपान से सीढ़ी से आगमिष्यामी मैं तामे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी मैं ज्यादा गरीब नहीं मैं ज्यादा अमीर नहीं हूं मेरे पास पैसा नहीं है मैं तो गरीब हूं और मुझे ना तो सोने की जरूरत है ना मुझे चांदी की आप तो तांबे की दे दो मैं तांबे से ही आगामी श्यामी आ जाऊंगी परम स्वर्ण सोपाने लेकिन बोले सोने की सीढ़ी के द्वारा शाह वह स्वर्ण भवनम आरोहत लेकिन परंतु उसने सोने कौवे ने क्या है सोने की सीढ़ी दी और वह सोने और सोने की सीढ़ी से क्या हो गई सोने के भवन में आरोहत माने चढ़ गई अब देखना अब यहां से देखें मैंने आपको यहां तक बताया जैसे उपसर्ग लुक धातु से बन गया यहाँ यत ये अव्यय है तत्र क्या है अव्यय है प्रसाद महल है ठीक प्रसाद क्या है महल है और यदा हमारा अव्यय है काका प्रथम विभक्ति का एक वचन कौवे के लिए कहा गया है सहित्वा में भी देखो सो करके और प्रबुद्ध तदा में प्रथम विभक्ति तदा विसर्ग संधि भी है तेन सहतम तेन सहतम तेन तो यहां तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है ऐसे रूप चलते हैं ना शह तम तेन सह तम तेन तयो ताभ्याम ऐसे चलते हैं रूप ठीक है अब यहां देखें स्वर्ण गवाक्षात कथित अहो यहां हहो बाले यहाँ पर संबोधन है ठीक तुम आगता यहाँ दीर्घ संधि हो गई क्या हो गई है दीर्घ संधि तुम प्लस आगता दीर्घ संधि ना कहे तो सीधा सीधा व्यंजन संधि ही माने इसमें आगता सीधा सीधा इनको जोड़ दिया गया है तुम आगता बड़ा आ जुड़ गया है तो तुम आगता तिष्ठ हमारी क्या है धातु है तिष्ठ क्या है बेटा तिष्ठ हमारी धातु है जिसका अर्थ होता है बैठना ठीक किससे स्था धातु से तिष्ट बनता है स्था धातु से क्या होता है तिष्ट बनता है और फिर तिष्ट का मतलब होता है बैठना और इसी से हमारे रूप चलते हैं आप लोगों ने अगर सुना होगा कौन सा तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति सुना है ना ठीक आगे देखें आगे देखें अहम अहम आवाम वयम आपने ऐसे सुना अहम आवाम वयम अहम माने में आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब तत्कृति स्वपानम अवतारयामी स्वपानम अलग हो जाएगा अवतारयामी अलग हो जाएगा आमि लगा हुआ है तो ये उत्तम पुरुष की क्रिया हो जाएगी प्रथमा एक वचन की क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन की तत्कथा है रजतमयम स्वर्णमय रजत का मतलब सोने से युक्त और रजतमयम का मतलब चांदी से युक्त ताम्रमयम का मतलब होता है तामे से युक्त या बनी हुई वाह कन्या अवदत्त कन्या बोली अब अवदत्त लिखा हुआ है तो ये हमारा कहाँ का है अवदत्त ठीक है ना ये हमारा बोली अब ये हमारा लंग लकार भूतकाल का हो जाएगा अवदत्त ठीक अहम निर्धनम मातु निर्धन अलग हो जाएगा निर्धन मातु मातु जो रूप लगा हुआ है तो मातृ शब्द के रूप चलते हैं ठीक है ना मातृ से माता बनता है सबसे पहले माता माता इसका अर्थ है और ऐसे हमारे इसके ही रूप चलेंगे ठीक इसके जब रूप चलेगा तो हमारा देखिए प्रथमा में बनेगा माता मातरम माता मातरम मात्रा, माता मातरम मात्रा मातृ मातु 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 मातुह मातु, ठीक है ना और मातरी लास्ट में रहेगा एक हमारा सप्तमी विभक्ति में बनेगा मातरी ऐसे बनेगा मातरी हे माता ऐसे बनेगा संबोधन में बनेगा हे माता ऐसे बनेगा ठीक तो ये हमारा संबोधन हो गया है अब यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं ये मातु दिया हुआ है ये मातु हमारा पंचमी में बनता है और षष्ठी में भी बनता है ठीक तो अहम माने मैं और निर्धन मातु माने गरीब माता की दुहिता माने पुत्री अस्मि माने मैं गरीब माता की पुत्री हूं ताम्र शोपाने एव प्लस यहां वृद्धि संधि हो गई है ठीक यहां कौन सी संधि हो गई है वृद्धि संधि हो गई है देखा जा रहा है इसकी वृद्धि संधि कैसे हो गई है ताम्र शोपाने नो, शो नो प्लस एव यहां से आ ले लिया और यहाँ से ए ले लिया आ के बाद ए आता है तो क्या बनता है आई बनता है ठीक आई बन गया अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये हमारा ये आई देखो इसमें से आ निकल गया इसमें जब आ निकल गया तो ये आधा बच गया यहाँ से ए निकल गया तो यहाँ ये भी अब हट गया दोनों का मिल करके ये बन गया ना तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे ऐसे प्लस लगा दें अब इसकी मात्रा इस पर लगाएंगे तो इसकी मात्राएँ दो लगेंगी इतनी लग गई दो ठीक अब वाह बचा हुआ है तो इसको हम इसमें लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या ताम्र शोपा नहीं वो। तो यहां पर हमारी संधि लगी हुई है वृद्धि संधि। संधि लगी बेटा इसमें लगी हुई है वृद्धि संधि अब वृद्धि संधि लग जाने से इसमें जो आई की मात्रा हुई है वो कैसी है इसका नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या ए दो में से कोई भी आ जाए तो यहां ऐ बनता है और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या आव, दो में से कोई भी आ जाए तो क्या बनता है बेटा औ बनता है ठीक है तो यहां पर वृद्धि संधि का हमारा क्या लग गया है नियम लग गया है और बन गया है ताम्र शोपाने नई वो ठीक चले अब आगे देखेंगे हम इसके बाद दिया हुआ है आगमिष्यामी आगमिष्यामी देखो ये लिखा हुआ है तो आगमिष्यामी आप लोगों ने एक देखा होगा कि ये आपको देखो ऐसे बनता है पठिष्यति पठिष्य पठिष्यति पठिष्य पठिष्य पठिष्यंती ऐसे पढ़ा है ना बेटा आप लोगों ने ठीक तो यहां पर बनेगा हमारा क्या पठिष्यसि पठि पठिस्य पठिष्यथो पठिष्य और पठिष्यत पठिष्यथ पढ़िष्य ठीक यहाँ पर बनेगा हमारा पढ़िष्या पढ़िष्या पढ़िश्या और पढ़िष्या क्या बनेगा पढ़िष्या अब यहां आपको समझ में आ गया होगा ये प्रथम पुरुष है आपका क्या है बेटा प्रथम पुरुष ये आपका मध्यम पुरुष और ये आपका क्या है उत्तम पुरुष ठीक ये आपको ध्यान रखना है ये आपका एक बचन ये आपका दुई वचन और ये आपका बहुवचन देखें क्या है ये ये आपका बहुवचन है यहां पर क्या लगा है अब आप लोग ध्यान रखना है पठिस्यती पठिस पठिस्यंती पठिस्यसी पठिस पठिश्यत पठिश्यामी पठिश्यावा दिया हुआ है ना अब यहां पर केवल आ उपसर्ग लग गया है क्या लगा है आ उपसर्ग लगा हुआ है आगमिष्यामी मैं आ जाऊंगी मैं आ जाऊंगी ताम्र ताम्रशोपानव मैं तामे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी और आ जाऊंगी आगमिष्यामी तो यहाँ पर पठिष्यामी आ पठिष्यामी तो यहाँ हो गया है आगमिष्यामी समझ जाए समझ गए कि नहीं आ गए आया ना ठीक तो यहाँ पर गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्य गमिष्यसी गमिष्यथा गमिष्यत गमिश्यत, गमिष्यामी गमिष्यावा गमिष्याम ठीक तो यहां जुड़ जाएगा आगमिष्यामी वो आगमिष्यति आगमिष्यतः आगमिष्य आगमिष्यसी आगमिष्य आगमिष्यथ आगमिष्यामी आगमिष्याम ठीक तो ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है ओके समझ में आ गया चल आगे देखें आगे हमारा रहेगा परम सो स्वर्ण सोपान यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन लग गया यहाँ तृतीय जैसे सोपानेन जैसे रामेन, फलेन वैसे ही सोपानेन सामन वह कौन वह वह कन्या और स्वर्ण भवनम सोने के भवन में क्या हो गई आरोहत माने प्रवेश कर गई या चढ़ गई ठीक आगे यहां पर कोई दिक्कत जाएगी क्या आपको मुझे तो नहीं लगता है कि आप कोई आपको दिक्कत जाएगी ठीक एक बार और देखें सूर्योदय से पहले ही वह कन्या वह लड़की तत्र उपस्थित माने वहां उपस्थित हो गई वृक्षस्यो पर वृक्ष के ऊपर विलोक माने देख करके और विल और वृक्ष के ऊपर देख करके सह माने वह आश्चर्यचकित आश्चर्य चकित हो गई संजाता माने हो गई स्वर्णमयम उसने जैसे ही स्वर्णमय प्रसाद वर्तते उसने देखा ऊपर किस सोने का महल है प्रसाद है प्रसाद माने भवन या महल भी होता है देखा तो आश्चर्यचकित हो गई यदा काका तब तभी कौआ कौवा क्या है सहित्व तो मैंने सो करके प्रबुद्ध तदा तैन स्वर्ण गवाक्षा कथितम और सोकर उठा और उसने प्रबुद्ध तदा तेन और उसके द्वारा क्या किया गया स्वर्ण गवाक्षा सोने की गवाक्षा माने खिड़की से देख करके कथितम माने कहा अहो वाले अहो वाले आ गई हो है अरे बालिका तुम आगता तुम आ गई हो तिष्ट बैठो अहम तत्कृति सोपानम अवतार्यामी मैं तुम्हारे लिए अभी क्या कर रहा हूँ सीढ़ी देता हूँ है स्वर्णमयम् बोलो कहो कौन सी सीढ़ी चाहिए सोने की या चांदी की या ता, तांबे की कौन सी चाहिए कन्यावदत कन्या बोली क्या बोली अहम निर्धनम मातु मैं एक गरीब माता की दुहिता माने पुत्री अस्मि माने हूं तो क्या करो ताम्र सोपान मुझे तांबे की ही सीढ़ी दे दो और आग स्वामी मैं उसी से ही आ जाऊंगी मुझे ज्यादा लालच की जरूरत नहीं है और मैं तो एक गरीब माँ की पुत्री हूं परम स्वर्ण शोपाने परंतु वहां क्या है कौवे ने सोने की सीढ़ी दी और उसके द्वारा वह सामान्य वह स्वर्ण वह कौन कन्या स्वर्ण भवनम माने सोने के भवन में आरोहत माने आरूढ़ हो गई चढ़ गई ठीक है चले आगे चलिए इसी से संबंधित अब आपको क्या करना है शब्द अब आपके दिमाग में एक पूरी एक कहानी बैठ गई होगी कि मैंने तीसरे पैराग्राफ में हमारे द्वारा क्या पढ़ा गया ध्यान रख लेना अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते जाओगे तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी और पेपर ऐसे धड़ाधड़ आप लोग करोगे कि आपको समय नहीं लगेगा और आप प्रश्न पत्र हल कर लोगे बस आप ध्यान से बस पढ़ते जाइए ध्यान रखना तत्रोपस्थिता देखिए वहां उपस्थित पत्रोपस्थित माने वहां उपस्थित और वृक्ष से ऊपर ही वृक्ष के ऊपर अभी पूरी कहानी दोहरा लेना आपको सब कुछ बनता जाएगा फिर लिखा हुआ प्रसाद महल क्या दिया हुआ है सही शोकर प्रबुद्धस्तदा माने जागा प्रबुद्धस्तदा माने तदा माने तब और प्रबुद्धस्त माने जागा तब जागा गवाक्षात माने खिड़की से गवाक्षात मतलब खिड़की से गवाक्षा गवाक्षात मतलब खिड़की से ठीक गवाक्षात में कौन सी विभक्ति लगी है बोलो जल्दी अभी मैंने बताया था जैसे सूर्योदयात तो, वैसे ही गवाक्षात तो, वैसे ही रामात तो, वैसे ही बालकात तो पंचमी भक्ति का एक वचन लगा ठीक चलिए बेटा आगे सोपानम दिया हुआ है सोपानम का मतलब होता है सीढ़ी अवतारयामी माने उतारता हूं नीचे सीढ़ी डालता हूं ताम्रमयम तांबा युक्त आरोहत चढ़ी वह चढ़ गई ठीक कौन चढ़ी बालिका कौन चढ़ी बालिका देखिए अभी अब आज पता है वो लड़की लालची नहीं थी तब तो उसने कहा कि मुझे तांबे की दे दो मैं तो एक गरीब माँ की पुत्री हूं लेकिन आजकल क्या है बोले सोने की दो मैं सीढ़ी लेकर भाग जाऊंगा ऐसी <laughs> कंडीशन आ जाएगी बोले तुम दो तो मुझे सोने की सीढ़ी लेके भाग जाऊंगा सोने की ठीक चलिए देखे जरा अर्थ को देख लें एक बार आपको अर्थ दिमाग में आपके घूम रहा है और अच्छे से घूम गया है अब इसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी क्या है एक सिस्टम होता है किसी चीज का पढ़ने का तो हम लोग उसको पढ़ेंगे देखा जरा सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया हे बालिका तुम आ गई ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं तो कहो स्वर्णयुक्त चांदी वाली या तांबे वाली कैसी सीढ़ी चाहिए कन्या ने उत्तर दिया मैं निर्धनम निर्धन माता की पुत्री हूं मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी परंतु सोने की सीढ़ी से वहां महल पर चढ़ी ठीक लेकिन कौवे ने फिर कौन सी सीढ़ी दी थी उसको सोने की सीढ़ी दी क्यों दी क्योंकि वो समझ गया था कौवा कि ये पुत्री ये बालिका लालची नहीं है और जो लालच नहीं करता है जो जिसके भाग्य में होता है वो उससे मिलता ही है इसीलिए क्योंकि एक और पाठ चलता है एक और पाठ है किसी कौन से उसमें देखा था विष्टा चक्रधारा जो लोभ के आविष्ट हो जाता है लोभ लालच ज्यादा करता है उसके मस्तक पर उसके कर्मों का पापों का चक्र घूमता है इसलिए लालच हमें नहीं करनी चाहिए जो हमें परमात्मा को देना है जो हमें मिलने वाला है वो हमारे भाग्य से कहीं नहीं जाएगा हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और वही यहाँ पर देखिए ईमानदारी ही कभी कभी हमें क्या है अच्छे ऊंचे शिखर पर ही ले जाती है क्योंकि ईमानदारी और सत्य कभी पराजित नहीं होता है कुछ दिन के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता आगे देखें अब इसके बाद हमारा चौथे नंबर का पैराग्राफ आया है बेटा ध्यान से पढ़िएगा पूरी कहानी आपके दिमाग में ऐसे गूंजेगी कि आप ये कहोगे कि क्या मजा आ गया ठीक चलिए देखें जैसे ही वो भवन पर चढ़ी कौन वो बालिका अब उसके आगे क्या है चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनी संजिता दृष्ट सा विस्मयम गता श्रांता ताम विलोक काका अवदत पूर्वम लघु प्रातरा सह क्रीयताद स्वर्णस्थ्यां भोजन क्य कि व रजतस्थल्यात ताम्रस्थल्यालिका अवदत ताम्र एव अहम निर्धन भोजन करिष्यामि तदा सह आश्चर्यचकता संजाता यदा स्वर्ण काकर्णस्थ्या काकेन, भोजन न नएताद स्वादु भोजन अद्य अद्यावधि वालिका खादितवती काको अवदत कौवा बोला वालिके अहम इच्छामि मेरी इच्छा यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ स्वगृहम गच्छ अब देखें अब यहां देखना बहुत बहुत आनंद आने वाला है ऐसी बालिका एक छोटी सी बच्ची की ईमानदारी को देख करके मुझे भी अंदर से बहुत मेरा मन प्रसन्न हो रहा है पढ़ाते समय मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बहुत मन से मुझे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और ईमानदारी का फल बहुत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिलता है इस बात का आप मानना और हमेशा और सच्चाई के पथ पर चलना है और सत्य का मार्ग अपनाना है और निश्चित है कि आपकी विजय होगी ईमानदारी से आप पठन पाठन करेंगे देखना आप क्या है एक आपका जो नंबर आएगा आपका जो मार्क्स आएंगे आपके जो नंबर आने वाले हैं परीक्षाओं में वो बहुत अच्छे से नंबर आएंगे ध्यान रखना क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है देखे और उन्होंने कहा चिरकाल भवन चिरकाल भवन और उस काल भवन में चिरकाल मतलब चिरकाल भवन में मतलब जो बहुत बड़ा भवन था उस चिरकाल भवन में विचित्र विचित्र पुराना भवन था चिरकालों से चला आ रहा है समय से तो उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनी बहुत ही मतलब ऐसी की विचित्र जो कभी देखी नहीं ऐसी वहां पर वस्तुएं रखी हुई थी वस्तु सज्जितानी सजी हुई थी तो उन्हें दृष्ट कित्वा प्रत्यय लगा दिया तो दृष्ट मैंने देख कर की सा कौन वह बालिका बड़ा सा लगा है ध्यान रख लेना ठीक वह बालिका विस्मयम गता फिर से आश्चर्यचकित हो गई फिर भी सोचने लगी कि अरे यहां तो क्या अजीब और अजीब प्रकार की वस्तुएं रखी हुई है श्रांता और शांत हो गई देख करके विस्मय हो गई और श्रांता काका उसको शांत देख करके कौन बिलोक काका काका माने कौआ का और अवदत माने बोला उसको शांत जैसी वो आश्चर्यचकित हो गई तो ऐसी भयभीत हो गई तो उसको देख करके फिर क्या है शांत को उस शांत लड़की को देख करके ताम बिलोक उसको देख करके का, का माने कौवा अवदत्त माने बोला पूर्वम लघु पहले लघु प्रातराश प्रात आशा प्रात राशा लघु प्रातरह क्रियताम तुम पहले क्या करो तुम पहले लघु राशा मतलब एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि तुम पहले बैठो आराम से शांति से और क्या चाहिए क्रियता माने क्या करोगी बद बोलो तुम क्या चाहती हो बोलो तुम भोजन करोगी कि नहीं करोगी कैसे तुम बद तो तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करीष्यसी तुम क्या करोगी सोने की थाली में भोजन करोगी किम वा या फिर उन्होंने कहा क्या कि रजस्य चांदी की थाली में उत ताम्रस्थल्याम या तांबे की थाली में तो बालिका अवदत तब बालिका बोली ताम्र स्थल एवं मैं तांबे की थाली में ही खाऊंगी अहम मन मैं निर्धना मन गरीब भोजनम करिष्यामि हम हम जो गरीब हैं, हम लोग जो मैं गरीब हूं तो हम क्या है मैं तो किस में भोजन करूंगी मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी तदा तब शाह वह आश्चर्यचकता संजाता तब वह क्या है आश्चर्यचकित संजाता मन हो गई यदा माने जब स्वर्ण का जब सोने के कौए के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम तब सोने के कौए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया ना एता दृश्यम स्वादु लेकिन और उसमें कोई स्वाद नहीं था भोजनम अद्यावधि भोजन को का आज समय बालिका खादत जब भोजन का समय चल रहा था उसी भोजन के समय पर बालिका खाद्य खाने लगी तो काकू, अवदत। काकू अवदत, काका अवदत। बोला बालिके अरे बालिके अहम मेरी इच्छा है माने मैं और इच्छा माने मेरी इच्छा है मेरी इच्छा है यत माने जो तुम माने तुम सर्वदा माने हमेशा हमेशा अत्रैव माने यही अत्र माने यहां और एव माने ही यही क्या करो बोले हमेशा यही तिष्ठ माने हमारे पास रहो बैठो परम परंतु तव माने तुम्हारी माता माने माता तुम्हारी माता तू तु, तुम्हारी माता तो एकाकिनी माने अकेली वर्तते माने है परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पास हमेशा के लिए रहो अतः तुम शीघ्र में हो तो तुम क्या करो बोले तुम शीघ्र माने जल्दी से ही स्वगृहम गच्छ अपने घर को जाओ तो फिर क्या करो तुम जल्दी से अपने घर को जाओ ऐसा कौवे ने कहा कि तुम खा लो और भोजन करने के बाद यहाँ से जल्दी से जाओ क्योंकि तुम्हारी माता क्या है घर पर अकेली है इस देखिए कौवे की और बालिका की बातचीत चल रही है। कौवा किससे बात कर रहा है बालिका से और बालिका किससे बात कर रही है कौवे से बात कर रही है चले ये आपको यहां अर्थ तो समझ में अब इसके थोड़ा सा एक बार इसकी मैं व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको बता दूं फिर एक बार इसकी अर्थ की पुनरावृत्ति करके शीघ्र यहां से हम चलेंगे ठीक देखें भवने भवने में हमारा लगी हुई है सप्तमी का एक वचन जैसे रामे वैसे ही बना हुआ है भवने और रामे बनता है सप्तमी विभक्ति का एक वचन कहा बनता है सप्तमी का एक वचन भवनी में भी हमारी कौन सी लगी है सप्तमी विभक्ति का एक बचन लगा हुआ ठीक तो चिरकाल से भवन में अब यहां देखे चित्र विचित्र इसको छोड़ दो वस्तुनी लिखा हुआ है वस्तुनी ठीक तो वस्तुनी में हमारा कौन सा लगा हुआ है वस्तुनी में हमारा बहुवचन लगा हुआ है बहुत सारी वस्तुओं की बात कर रही है ठीक तो वस्तुनी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है वस्तुनी सज्जितानी इसमें भी प्रथमा का बहुवचन सज्जितानी बहुवचन लगा हुआ है दृष्ट्वा में दृश्य धातु है दृष्ट्वा में दृश्य धातु है और लगा हुआ है क्या लगा है लगा हुआ है और दृष्ट्वा बना हुआ है ठीक सा, सा देखें बेटा सा वहां पर बालिका के लिए आया है बड़ा सा है ध्यान रखें शाह विस्मयम गता ठीक है वह आश्चर्यचकित हो गई श्रांता देखिये श्रांता माने शाम, ताम ठीक ताम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है विलोक में यहाँ पर भी लप प्रत्यय लगा हुआ है ठीक और यहाँ काका में प्रथमा अवदत्त हमारा लंग लकार ठीक बोला ठीक यहाँ देखें पूर्वम लघु प्रातराशा और क्रियाताम और यहाँ क्रियताम क्रियताम में लगा हुआ है हमारा कौन सा लोट लकार करो ठीक है ना लघु प्रात्र आशह क्रियाताम करो बदमन बद त्वम अहम त्वम त्वम क्या है हमारा मध्यम पुरुष एक वचन की हमारी क्रिया है ठीक वो क्या है सर्वनाम है स्थाल्याम में सप्तमी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है सप्तमी का एक वचन थाल जैसे जनन्याम नद्याम वैसे ही स्थाल्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन करिष्यसि ये हमारी मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगी हुई करिष्यसि करिष्यथा करिष्यत् करिष्यसि करिष्यसि करिष्यथा करिष्यथा करिष्यत् करिष्यत् ठीक ये एक वचन ये दुई वचन और ये बहुवचन ठीक है तो हमारा कौन सा चल रहा है यहाँ करिष्यसी देखो यहाँ लिखा है करिष्यसी दिया है ना तो ये हमारा कहाँ का हो गया है मध्यम पुरुष एक वचन किम माने क्या वा माने और रजस स्थाल्याम या और अथवा का अथवा का सूचक होता है रजस स्थाल्याम यहाँ सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है ताम्र स्थाल्याम यहाँ पर भी सप्तमी का एक बालिका अवदत बालिका बोली सप्तमी का एक वचन अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है कर, वो हमारा करता है निर्धना में एक वचन करिष्यामी अब यहाँ पर अभी मैंने ये बताया ना ये ये बने हुए हमारे मध्यम पुरुष के और यहीं पर हमारा हो जाएगा करिष्यामी करीश्या करिष्याम करिष्यामी करीश्यामी करिष्या करिष्यावहा, करिष्यामा, करिष्यामा, ऐसे चलेगा। तो ये हमारा करिष्यामी है जो ये हमारा उत्तम पुरुष की उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है करिष्यामे। ठीक करिष्यामे। तदा माने तब। तदा मतलब तब। शा माने वह चकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक बचन लगा ठीक और फिर इसके बाद स्वर्ण स्थल्याम यहाँ पर भी वही है सप्तमी का एक वचन एक बार बता दूं क्या आपको जैसे जैसे आप जननी के रूप देखते हैं तो जननयाम बनता है क्या बनता है जननयाम ऐसे बनता है और नदी के रूप देखते हैं तो ऐसे बनता है आप क्या नद्याम वैसे ही स्थाली के स्थाली के रूप बनेंगे तो स्थाल्याम स्थाल्याम ऐसे रूप चलते हैं ये है इनका एक थोड़ा सा सीक्वेंस होता है कि कौन सा रूप कैसा चलेगा ठीक तो स्थाल्याम सप्तमी का एक वचन है ठीक ये भी सप्तमी के एक वचन है सारे, नदी नदीम नद्या नद्य नद्या नद्या नद्याम सप्तमी का एक जननी जननीम जनन्या जनन्य जनन्याह जनन्या जनन्याम ऐसे जनन्या बनते हैं ठीक ऐसी प्रकार से हमारे ये सारे रूप चलते हैं आगे देखें परिवेशितम में परिउपसर्ग लगा हुआ है विष धातु है काय के लिए परोसने के लिए खाना परोसने के लिए एता स्वादु भोजनम अद्यावधि ठीक अद्यावधि, तो भोजनम अद्य प्लस अवधि तो भोजनम अद्यावधि ऐसे बन जाएगा इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूं, देखिए लिखा हुआ है भोजन नम भोजनम प्लस अद्य प्लस अवधि इस प्रकार से हमारा चलता है ठीक तो यहां आ और आ मिलकर के दीर्घ हो गया है इसीलिए यहां बड़ा आ हो गया ठीक और का ये जुड़ गया है ठीक ये अवधि ऐसे हो गया है। देखो ये बना ना भोजना मध्य अवधि बन गया अब ये आएगा तो ये आ इसमें मिल जाएगा तो ये हट जाएगा बस इतने पे, ऐसे ऐसे बन जाएगा बन गया ना भोजनम अद्यावधि बन देखे। गया अब देखें बालिका प्रथमा का बालिका बालिकम बालिकेन बालिका बालका तो बालकस्य बालिका ऐसे रूप चलते हैं ठीक है ना जैसे रमा रमाम रमया रमाय बालिका बालिका बालकाया बालकाय ऐसे रूप चलेंगे रमा के रूप चलते हैं जैसे वैसे बालिका के चलेंगे ये बना है देखो रमा रमाम रमा रमाम रमया रमायई आप बेटा ऐसे थोड़ा सा रूप रमा यही आप लोगों को भी दो चार रूप सीख लेना है जिससे परीक्षा में आपको प्रॉब्लम ना जाए बिल्कुल भी ध्यान रख लेना ऐसे चलेगा हमारा बालिका क्योंकि एक रूप अगर आपने सीख लिया कायदे में तो आपको उस जो आप पुल्लिंग बाची सीखो या स्त्री बाची सीखो या आप चाहे नपुंसक बाची सीखो कोई भी रूप सीखो अगर आपने एक सीख लिया तो आपसे वो सारी चीजें बनने लगती हैं बस इतना अंतर होता है वो अकारांत है इ है थे है बस इतना ध्यान है बालिका 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 बालिकाम देखें, बालिकाम वालिकया बालिकाया, बालिकाया देखो ये बन गया इसी प्रकार एक समान चलते हैं। आप बस इतना देखो ये थोड़ा शब्द बड़ा जरूर हो गया लेकिन पीछे देख पीछे देखना पड़ता है पीछे देखो आप एक बड़ा आ बड़ा आ माम काम ये मया कया माई काई बना है ना एक समान रहता है बिल्कुल अब देखें यहां पर खादित वति। यहां तबत प्रत्यय लगा हुआ है ठीक तबत प्रत्यय में बनता है पहले खादित वत ठीक खादित वती खादित वतम ऐसे बनता है वत वती वतम ठीक ऐसे चलता है जैसे बुद्धिमत बुद्धिमती और बुद्धिवान खादित वान बनेगा खादित वती बनेगा खादित वत बन जाएगा ऐसे चलता है तबत् प्रत्यय में ठीक है तो खाद धातु है तबत्त्य काकु अवदत यहाँ विसर्ग संधि है आप देख लें थोड़ा सा यहाँ पर ये यह आपके देखना जब आपका सॉल्यूशन आएगा जो आपके पार्ट का सॉल्यूशन होगा ना आपके एक्सरसाइज ठीक तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं वहां आपके सारे काम में आएंगे देखे काक का प्लस अवदत का काका प्लस अवदत दिया हुआ है अब देखें विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा विसर्ग संधि की उत्त संधि लगेगी और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है उ हो जाता है विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है बेटा उ हो जाता है ये उ हो गया तो का में जो आ है और उ दोनों मिलकर के कर लेते हैं गुण आ के बाद उ आने पर बनता है ओ तो यहां पर हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तो ये हो गया का को अब यहां पर क्या करते हैं जो पीछे आ दिया हुआ है इस आ को लाते हैं हम ऐसे अवग्रह के रूप में ले आते हैं ठीक तो यहां से आ निकल जाता है क्योंकि यहां अवग्रह के रूप में आ गया हमारे पास बचा हुआ है वदत तो हम वदत को इसमें ऐसे जोड़ देते हैं ये वदत जुड़ गया ठीक तो ये बन गया हमारा काको वदत काको अवदत ठीक इसमें उच्चारण में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जो आप ये चंपक पुष्पक न्याय खंडा न खंडाकारो न विधी संस्कृत में इसको हम खंडाकार आ के रूप में जानते हैं हिंदी में इसे अवग्रह के रूप में जानते हैं और छंद शास्त्र में इसे वर्तुल रेखा के नाम से जानते हैं ठीक और इंग्लिश में आप इसे एस के नाम से जानते हैं ठीक है ना ऐसे जानते हैं एस वही तो है एस जैसा लगता है ठीक और अगर बात करें तो इसको छंद शास्त्र में हम लघु और गुरु गुरु मात्रा के रूप में भी जानते हैं ठीक तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन रहती है लेकिन आप इसको ज्यादातर प्रयोग करें कि खंडाकार आ ठीक ये क्यों लिखा जाता है इसका भी मैं कारण आपको थोड़ा सा ऐसी मौखिक रूप से बता दे रहा हूं बाकी अगर उसके अंदर चले जाए तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि ये केवल खुशबू मात्र के लिए होता है उच्चारण हमें जब इसका करना होता है तो ये जो कोई पढ़ रहा है उससे महसूस होना चाहिए कि यहाँ आ है सामने वाले को सुनाई नहीं देना चाहिए कि यहां आ जैसे आप देखना आप खुद समझ जाओगे कि जैसे मैंने बोला कि काको अवदत्त काको अवदत्त तो आपको आ सुनाई दिया है ना और मतलब मैं अब गलत पढ़ रहा हूँ अगर आपको आ सुनाई दे रहा है तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ जब इसको पढ़ेंगे हम वदत काको वधत, काको काकोवदत्त काको वधत, काको वदत तो ये हमारा शुद्ध उच्चारण होगा मुझे पता है कि मैं आ बोल रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आना चाहिए केवल खुशबू मात्र रहना चाहिए समझ गए बाकी मैं इसके बारे में आपको ज्यादा और भी बात करूंगा जब आपको ग्रामर पढ़ाने पर आएंगे तो आपको एक एक शब्द पर हम क्या करेंगे उसकी चमड़ी निकाल निकाल करके बताएंगे आपको बस आप लोग कंटिन्यू रहिएगा ध्यान रखना यहां दिया हुआ है बालिके बालिके दिया हुआ है जैसे रमे वैसे बालिके संबोधन एक वचन का रूप है फिर लिखा हुआ है अहम इच्छामी अहम इच्छा दिया हुआ है मेरी इच्छा अच्छा जैसे आपने देखा है इच्छति इच्छता इच्छंती इच्छसी इच्छता इच्छत इच्छा में इच्छा ऐसे रूप बनते इच्छति इच्छता ऐसे चलते हैं इच्छा इच्छति इच्छता इच्छंती बनता है ना इच्छंती ऐसे चलते हैं एक इच्छा ऐसे ये हमारा तो ये तो चलेगा प्रथम पुरुष में ठीक और लास्ट अभी बीच में मध्यम पुरुष आएगा और मध्यम वो यहां आ जाएगा उत्तम पुरुष ठीक उत्तम पुरुष में चलता है हमारा क्या इच्छा इच्छावाह इच्छावाह और इच्छामा छाम दिया हुआ है तो अब यहां पर जो एक दिया है वो यहीं पर एक छामी है अहम जुड़ गया है इसमें कैसे ये अहम ऐसा लिखा था देखो ये मालक गया ना ये हमारा हो गया कि नहीं हो गया तो यहां पर इस माँ में ये ई हमारा ऐसे लग गया लग गया कि नहीं लग गया अब ये जो इच्छा बचा हुआ है तो इसको हम ऐसे जोड़ते जाएंगे चा मी ऐसे तो ये हमारा यहां पर बन गया है क्या इच्छामी अहम इच्छामी ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा यत तुम माने तुम सर्वदा माने हमेशा अत्रैव अब जो अत्रैव दिया हुआ है यहां अत्र प्लस एव दिया हुआ है यहां वृद्धि संधि हो जाएगी क्या हो जाएगा बेटा यहां वृद्धि संधि हो जाएगी और ऐसे होगी देखो अत्र प्लस एव अत्र प्लस ए वो दिया हुआ है तो यहां से आ और यहां ए इसका ए ले लिया इसका आ ले लिया और दोनों को मिलाया और हमने क्या बना दिया बना दिया बन गया कि नहीं बन गया अब यहां पर क्या करेंगे अत्र का त्रा है ना इसमें से आ निकल गया है तो ये आधा हो गया है। लेकिन अब आधा क्यों हो गया इस आई की मात्रा इस पर लगा दो तो ये पूरा हो जाएगा और यहां पर क्या बचा हमारा ए निकल गया तो वह बचा है इसको इसमें जोड़ दो क्या बन गया अत्राइव। बन गया कि नहीं बन गया तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि यह हमारी वृद्धि संधि का नियम है ठीक है बेटा पर वृद्धि संधि का नियम लगा है और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि इनके सूत्र कुछ नहीं बचा रहा बता रहा हूं कोई भी संधि का ध्यान रखना ठीक अभी इनके सूत्र भी बताऊंगा मैं तिष्ठ हमारी धातु है ताओ तव हमारा तव कहाँ का रूप है षष्ठी विभक्ति का है तुम्हारी माता ठीक है ना जैसे इसका देख अस्मद और युष्मद के रूप देखे आपने अहम आवाम वयम ऐसे देखे हैं ना तो अहम माम मया मयम मम मत मई इस प्रकार से रूप है और तो युष्मद के रूप चलेंगे त्वम त्वा त्वम त्वम तोया तुभ्यम तौ त्वत तौ। त्वम तव ऐसे चलता वही है हमारा तो एकाकिनी माने ए अकेली वर्तते अतः तम शीघ्र एव शीघ्रमेव देखें देखे स्वगृह गच्छ गच्छ में गम धातु है मूल रूप से गम धातु है गम से गच्छ बनता है ठीक है तो यहां तक मैंने इसकी आपको ज्यादा इस पे नहीं चर्चा की है लेकिन हाँ 80-90 परसेंट मैंने इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी जो थी आपसे चर्चा की है जो आपके एक्सरसाइज में आएंगी ध्यान रख लेना बहुत गौर से ध्यान रखना इसके शब्दार्थ क्या रहेंगे उस शब्दार्थों पर मैं चर्चा करता हूं देखे श्रांताम लिखा हुआ है श्रांताम मतलब थकी हुई श्रांताम का मतलब शांत या थकी हुई या आश्चर्यचकित हो गई थी ना वो तो विस्मय हो चुकी थी वही श्रांताम माने थकी हुई क्योंकि डर की वजह से ठीक प्राह माने कहा ठीक प्राह भी आ जाता है और नहीं तो आह माने बोलना होता है या कहा ठीक और संबोधन में अधिकतर यही होता है लघु प्रात आशा माने थोड़ा सुबह का नाश्ता लघु माने थोड़ा प्रातरा माने सुबह का और आशा माने नाश्ता क्रियता माने करो थोड़ा सुबह का नाश्ता कर लो फिर इसके बाद चले परिवेशितम माने परोसा गया परोसा गया स्वादु माने स्वादिष्ट स्वादु मतलब स्वादिष्ट एकाकिनी माने अकेली एकाकिनी का मतलब क्या है बेटा अकेली अत्रैव माने यहां ही सज्जतानी माने सजी हुई अहम इच्छा मैं, मैं चाहता हूं क्या चाहने की बात की थी उसने मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहो लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है इसलिए शीघ्र यहां से जल्दी ही जाओ अब इसका अर्थ देख लेना अर्थ में क्या दिया हुआ है इन्होंने कि बहुत समय तक बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तुएं सजी हुई देख करके वह कौन वह कन्या चकित हो गई थकी हुई उसको देख करके कौवा बोला पहले थोड़ा नाश्ता करिए बोलो क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में बालिका ने कहा गरीब मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण कौके कौए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूं कि तुम सदा, सदा यहां ही ठहरो। परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है तुम शीघ्र ही घर जाओ इस प्रकार की बातचीत कौवे की और बालिका के बीच में हो रही है ठीक है ध्यान रखें यहां पर कोई और आपको समस्या देखो मैंने आपको अर्थ बताया तो अर्थ तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो चुका है और पूरी कहानी मैंने आपको जैसे बताई है वैसे ही आप कहानी को याद करते रहेंगे तो बहुत जल्द आपको इसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये हमारा अनुवाद इसका भाग दो चल रहा था इसका भाग दो हम लोगों ने पूरा कर लिया है बहुत जल्द हम अगला भाग आपके लिए लेकर के आएंगे तब तक के लिए आपको जय तु संस्कृतम जय तु भारतम थैंक यू